मालविका सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। जल जीवन हरियाली एवं मानव श्रृंखला को लेकर के बिहटा के कन्हौली गांव से जदयू के युवा पटना ग्रामीण के उपाध्यक्ष शशि भूषण उर्फ अकलू पासवान एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमाल परवेज द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई, जो कन्हौली गांव से होते हुए भोजपुर के आरा के रमना मैदान जाकर समाप्त होगी। वहीं इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए जेडीयू प्रखंड सचिव मनीष कुमार ने बताया कि कल होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर आज हमने कन्हौली गांव से साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें काफी संख्या में पार्टी के लोग और युवाओं ने जोश जुनून से इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही गांव में भी मानव श्रृंखला को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर लोगों को जागरूक के लिए पार्टी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। इसमें काफी संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता लोग शामिल हैं। वहीं गौरतलब है कि 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जदयू पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। कल होने जा रहे हैं मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की जरूरत है। ऐसे में कार्यकर्ता लगातार साइकिल यात्रा और सभाओं के जरिए लोगों को इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं। जो नौजवान साथी हैं परवेज आलम जी, इन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। जल जीवन हरियाली के लिए जो हमारे यहाँ से नालंदा तक का साइकिल यात्रा करेंगे, और ये फेज फर्स्ट फेज का है। इसके बाद दूसरे फेज में कहीं और जाएंगे, तीसरे फेज में कहीं और जाएंगे। ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है पर्यावरण को लेकर के, जो पर्यावरण की स्थिति है उसको देखते हुए, उसके लिए आम जनता को संवेदनशील करना कि क्या ये योजना क्या है, माननीय नेता क्यों इस योजना की शुरुआत किए हैं, उसका आने वाले पीढ़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या महत्व है, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने ये यात्रा की शुरुआत की है।